हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीरू क्रिकेट प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहे। अगर बात करते हैं जहाँ पे बिग बॉस लीग सीजन 13 स्टार्ट हो चुका है, तो बात करते हैं मैच नंबर 6 जो कि खेला जाएगा बिस्वनीट और सिनी थंडर के बीच में, जहाँ पे बिस्वनीट की टीम ने सीजन के पहले मैच में टूर्नामेंट का जोरदार स्टार्ट की थी और मेलबर्न स्टार को 103 रन से हराया था, जबकि थंडर का यह पहला मैच होगा। यह मैच कैनबेरा के मनुका ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो कैनबेरा का पिच काफ़ी फास्ट है, पिच में बाउंस देखने को मिल सकती है, फास्ट बॉलर को यहाँ पे हेल्प मिलेगा, यहाँ पे बहुत कम मैच हुए हैं। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 45% रहेगा, टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 20 मिनट का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। तो पहले मैच में टीम ने अच्छा स्टार्ट किया और 103 रन के मार्जिन से मेलबर्न स्टार को टीम को हराया। अगर ओपनिंग में बात करें तो जहाँ पे उस्मान ख्वाजा ने टीम को अच्छा स्टार्ट दिया, टीम को हीरो रहे हैं कॉलिन मुन्रो ने, जिन्होंने 61 बॉल में 99 रन बनाकर आउट हो गए। यहाँ भी दोनों टीम को अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर में मार्नस लैम्बू चेंज है, विकेट कीपर सैम बिलिंग्स टीम को स्टेबिलिटी देते हैं, नंबर 5 पे मैक्स बियन टीम को फिनिशिंग टच देते हैं। वहीं अगर टीम की बॉलिंग बात करें तो बॉलिंग यूनिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मेलबर्न टीम को 110 रन पे ऑल आउट कर दिया था। वहीं अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो जहाँ पे मिचेल नसीम ने 2 विकेट लिए थे, शेक्सपियर पैडलिट ने टीम को एज देते हैं, स्पेंसर जॉनसन टीम के एक्स फैक्टर है। वहीं राइट आर्म की बात करें जहाँ पे ली ब्रिक बॉलर मिचेल स्वेप्सन है, लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे, मैथ्यू कुनन भी इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं। अब अगर पढ़ते बात करते हैं, चलते हैं की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे शेक्सपियर पैडलिट है, स्पेंसर जॉनसन है, कॉलिन मुन्रो है, सुवान ख्वाजा है। अब बात करते हैं सिनी थंडर का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। तो लास्ट सेशन टीम एलिमिनेटर में बिस्वनाइट हिट से हार गई थी। सिनी थंडर बीबीएल 12 में पॉइंट टेबल 4th स्थान पर रहा। सिनी की ग्रीन टीम ने अपने 14 में से 7 गेम जीते और ओनली नेट रन रेट से कारण 3rd प्लेस पर खिसक गए। इस सेशन में टीम के कैप्टन क्रिस ग्रीन है, टीम की सबसे बड़ी ताकत उसके ओपनर डेविड वार्नर है। बैटिंग में ओली डेविड ने लास्ट सीजन में थंडर के लिए सबसे अधिक रन बनाए थे, 13 इनिंग में 27.75 की एवरेज से 333 रन बनाए। वहीं टीम के सेकंड बेस्ट मैट गिलक्रिस्ट का रहा, जिन्होंने 21.69 की एवरेज से 282 रन रहा है। टॉप 10 रनों की बवंडर में बैटर शामिल नहीं था। बॉल के साथ डैनियल सैंस बेस्ट थे, ऑफ स्पिनर ग्रीन स्क्रीन थंडर का बेस्ट बॉलर है, जिन्होंने 6.6 की इकोनॉमिक रेट के साथ 14 विकेट लिए थे। वहीं टीम के ओपनर की बात करें तो कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट पर्थ के टीम ने साइन किया, बीबीएल 12 में उन्होंने 357 रन बनाए, बैनक्रॉफ्ट टीम के टॉप ऑर्डर स्टेबल करेंगे। फास्ट बॉलर की बात करें तो लियाम हैचर ने भी थंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। वहीं हैचर ने बीबीएल 10 के बाद 17 मैच खेले और बीबीएल 12 में 11 विकेट लिए थे। इंग्लिश ओपनर जो ग्लेन हेल्थ एक बार फिर से सिनी थंडर में खेलेंगे। पाकिस्तान के ऑलराउंडर जमान खान भी बीबीएल 13 में थंडर के लिए खेलेंगे। टीम के विदेशी खिलाड़ियों बीबीएल 13 में किसी भी फ्रेंचाइजी से ज़्यादा एबिलिटी है, दोनों प्लेयर के नियमित सत्र के खेलने के लिए तैयार है। खान को पाकिस्तान के चुना जा सकता है, वह नेक्स्ट ईयर की शुरुआत T20 में डिब्यूट करने के बाद फाइनल में नहीं खेल पाएंगे, जबकि हेल्थ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन यूमे लीग के कारण वह फाइनल में भी नहीं खेल पाएंगे। अगर वहीं की प्लेयर की बात करें तो जहाँ पे कैमरॉन बैनक्राफ्ट है, एलेक्स हेल्स है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, आगे बढ़ते हैं, चलते विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच बिस्वनाइट हिट होगा, क्योंकि बिस्वनाइट हिट की बात करें तो पहले ही मैच में अपना पावर दिखा दिया, तो उम्मीद है कि इस मैच में भी अपना झंडा गाड़ेगी। यहाँ पे सिनी थंडर को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।